नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। तो दोस्तों, इस बीजेपी के बड़े नेता, जो मैं कहूं बीजेपी के जो एक सबसे बड़े मंत्री में से एक है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कर दिया है कंगना रनौत का समर्थन। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आप सबको तो पता ही होगा सुशांत सिंह केस है, जो सुशांत सिंह जो सुसाइड हुआ था, उसको अब तक 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अब तक कुछ ऐसा नहीं सुराग मिला जिससे पता लगाया जा सके कि जो हम सब के प्यारे सुशांत सिंह भाई थे, उन्होंने सुसाइड किया है कि उनका मर्डर हुआ है। इन सब के बीच में आप सबको एक ऐसी अभिनेत्री का जो बयान है, हमेशा आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पर, वो हमेशा कहती हैं कि जो सुशांत सिंह है उनका जो है मर्डर हुआ है। जी हाँ, इन सब के मामलों में जैसा कि आपको पता है कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड में जो हमेशा से ये निडर होकर बेबाक होकर ये बोलती हैं कि जो सुशांत सिंह है उनका मर्डर हुआ है, और वो हमेशा बॉलीवुड की कच्चा चिट्ठा पूरा खोल के रख देती हैं कि किस प्रकार बॉलीवुड में जो नए अभिनेता आते हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, उन्हें वो जो अभिनेता होते हैं वो नेपोटिज्म के, मैं कहूँ तो, शिकार हो जाते हैं। नेपोटिज्म का अब सब जो अर्थ है समझ चुके होंगे अब तक, इतने दिनों से जो सोशल मीडिया पर लगातार ये जो नेपोटिज्म शब्द है इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका जो अशाब्दिक अर्थ है मैं बताऊँ आपको कि जो भी कोई नया ऊपर जाता है, ग्रोथ करता है अपने बलबूते पर, तो बॉलीवुड के कुछ ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो उसकी टांग नीचे गिर देते हैं। जी हाँ, तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं कहूँ तो जब कोई पार्टी बनती है, जो नेता होते हैं जैसे उनमें परिवारवाद होता है, वो अपने घर खानदान के जो लड़के हैं उनको ही जो आगे बढ़ावा देते हैं, उसी प्रकार बॉलीवुड में भी ऐसा चल रहा है। तो जो हमारी कंगना रनौत है उन्होंने पूरा ये जो कच्चा चिट्ठा है खोल के सामने रख दिया है, जिस कारण जो कंगना रनौत हैं बहुत बड़े बड़े जो नेता अभिनेता हैं उनकी आलोचनाओं का भी शिकार लगातार हो रही हैं। लेकिन जो उनके फैंस हैं, जो सुशांत भाई के फैंस हैं, लगातार जो है कंगना रनौत के साथ खड़े हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं भी कंगना रनौत और जो सुशांत सिंह भाई हैं उनके साथ हमेशा हूँ, और हम सब मिलकर जल्दी ही जो ये केस है उसका पर्दाफाश हम सब मिलकर करेंगे, और हम जो हमारे सुशांत सिंह भाई की आत्मा जो अब तक मैं कहूँ तो निर्दोष ना मिलने के कारण भटक रही है, तो उन्हें शांति मिलेगी जल्दी से जल्दी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बीजेपी के जो ये बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनके जो वकील हैं मैं कहूँ तो इस कारण उन्होंने ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी, और जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उन्होंने जो कंगना रनौत का समर्थन इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें जो कंगना रनौत बेबाक होकर निडर होकर बोलती हैं और बॉलीवुड के तमाम लोगों पर आरोप ऐसा लगाती हैं कि इनके चलते ही कहीं ना कहीं जो हमारे सुशांत सिंह भाई हैं उन्होंने सुसाइड किया। आप सब एक बात तो जानते होंगे, जो कंगना रनौत हैं वो बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक है, उन्होंने अपने दम पर ही जो बॉलीवुड में अपना इतना बड़ा नाम बनाया, और आप सब जानते होंगे उनकी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी, उनके कोई फैमिली में ऐसे इनसे पहले कोई ऐसा एक्टर नहीं था, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं था, जिसके चलते वो बॉलीवुड में आती, उन्होंने अपने दम पर अपनी बेजोड़ अभिनय के दम पर मैं कहूँ तो पूरा अपना नाम बनाया है बॉलीवुड में। तो दोस्तों, आप सबको ये भी पता होगा कि जो हमारी कंगना रनौत हैं उन्हें पद्मश्री का जो पुरस्कार है देकर सम्मानित किया जा चुका है राष्ट्रपति द्वारा। जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है पद्मश्री, वो जो पुरस्कार है कंगना रनौत को मिल चुका है। और जो कंगना रनौत है, जब ये पूरा मामला हो रहा था तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर जो सुशांत सिंह है उन्होंने सुसाइड किया होगा तो अपना पद्मश्री जो भारत सरकार को वापस कर देंगी और अपना जो नाम है वो पीछे हटा लेंगी, वो किसी के बारे में इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगी, और वो लगातार अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो हम सब हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनके फैंस हैं, जो उनके प्यार करने वाले हैं सुशांत भाई को, उन्हें लगातार शक है कि सुशांत भाई ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। और लगातार इस पर हमेशा मैं देखूं सोशल मीडिया पर अब लगातार रोज ना रोज कहीं ना कोई ना कोई नई ऐसी खबरें सुनते होंगे इस मामले में, ऐसी बहुत सारी वीडियो भी देखते होंगे कि उसमें बताया गया है कि सुशांत सिंह का कत्ल हुआ है या जिक्र हुआ है। तो आप सब जानते ही होंगे कि इन सब में जो मुख्य आरोप लगाए गए थे रिया चक्रवर्ती है, करण जौहर, महेश भट्ट और तमाम ऐसे लोगों के ऊपर लगे हैं, नेपोटिज्म का भी आरोप लगा है बॉलीवुड में लगातार। तो कहीं ना कहीं अब तक कुछ ऐसा पता नहीं चल चुका है जिसके कारण पता लगाया जा सके सुशांत भाई ने जो सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ था। और कंगना रनौत इस एक बात और है जिसे लेकर वो काफी नाराज रहती है, उनका कहना है कि पुलिस ने जो बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, बड़े बड़े नेता अभिनेताओं से, लेकिन जो जिन पर मुख्य आरोप लगे मैं कहूँ तो करण जौहर और महेश भट्ट, उनसे पुलिस ने अब तक कुछ नहीं पूछा है, और उन्हें मैं कहूँ तो अब तक पुलिस थाने में भी नहीं बुलाया गया है।
तो इस बात को लेकर भी कंगना रनौत ने अब तक गुस्सा है और जो बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, जो पुलिस का समर्थन चाहिए या उनका कोई समर्थन चाहिए तो कंगना रनौत के साथ खड़े हैं। और वो उन्होंने भी कह दिया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उन्हें न्याय दिलाई जाएगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगी ना सुशांत सिंह भाई उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और ना जो उनके चाहने वाले उनके फैंस सपोर्टर हैं उन्हें भी जो चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्द पुलिस है जो उचित कार्रवाई करे, सख्ती से कार्रवाई करे और इसका जो सच्चाई है वो पता लगाए कि ये पूरा जो केस है सुसाइड है या मर्डर है। जैसा कि हम सब तो जानते ही हैं कि सुशांत सिंह भाई जो दूसरों के जीने की राह सिखाते हैं वो सुसाइड नहीं कर सकते, उनका मर्डर ही हुआ है। तो इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी पूरी कार्रवाई चल रही है। तो मैं मुंबई पुलिस से भी अपना जो हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं अगर सुशांत सिंह भाई का मर्डर हुआ है तो उन्हें सामने लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर बताना अपना लाइक कमेंट शेयर करके। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।